महत्वपूर्ण ये कि जुलाई 2018 और ये नवंबर 2021 का वर्ष सिर्फ 3 साल के बहुत ही कम वक्त में इस एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा कर लिया गया है। साल 2018 जुलाई महीने में प्रधानमंत्री ने इस एक्सप्रेसवे की नींव रखी थी और आज वो इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए वहां पे अब से कुछ ही देर के बाद वो पहुंचने वाले हैं। और ये जो एयर स्ट्रिप है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इसकी कुल लंबाई 3.3 किलोमीटर की दूरी के लिए ये बनाया गया, विकसित किया गया, ताकि यहाँ पे कोई विमान अगर लैंड करना चाहे या फिर यहाँ से टेक ऑफ करना चाहे तो उसके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। मसलन IAF अगर इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000, और आपको बता रहा था कि ये जो एक्सप्रेस वे है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जो अगर आप पूर्वांचल में गाजीपुर की तरफ जाएंगे तो उसकी अभी क्या है कि अभी बहुत टाइम ज़्यादा वक्त लगता था, लेकिन अब इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के खुल जाने के बाद से जो 6 घंटे का वक्त लगता था उसको अब महज 3.5 घंटे का हो जाएगा। तो आप सिर्फ 3.5 घंटे में राजधानी लखनऊ से गाजीपुर तक पहुंच पाएंगे। और ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 10 जिलों से होता हुआ गुजरेगा। मैं आपको बता दूँ, गाजीपुर, उससे पहले मऊ, फिर आजमगढ़, फिर अम्बेडकर नगर, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी और लखनऊ। तो ये तमाम जो ज़िले हैं जिनको कि ये एक्सप्रेसवे जोड़ने का काम करेगा। चूंकि इस वक्त इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं एयरफोर्स के इस विमान को, मैं आपको कोई जानकारी दे दूं कि एयरफोर्स का अगर उसके अलावा दिल्ली तक की दूरी महज 10 घंटे में तय की जा सकेगी। है इसके साथ साथ बेहतरीन पक्ष ये है, शानदार पक्ष ये है, 3.2 किलोमीटर लंबा सुल्तानपुर के अरवल कीरी करवत क्षेत्र में पूरे भारत में सटा हुआ क्षेत्र है, निहायत पिछड़ा क्षेत्र, निहायत उपेक्षित क्षेत्र, पूर्वांचल का पूरा क्षेत्र बेहद उपेक्षित है, जहाँ पर ये स्पेशल एयर स्ट्रिप इस पर बनाई गई है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर। आपातकालीन स्थितियों में या फिर रणनीतिक जरूरतों के मुताबिक या फिर राष्ट्र की गौरव के लिए जब भी जिस तरीके से हमारे रणमाकुरों ने अपने प्रदर्शन किए हैं, अगर कोई ऐसी स्थिति होती है तो यहाँ से हमारी पूर्वी सीमा की चुनौतियों को भी बखूबी उन चुनौतियों से निपटा जा सकेगा। बगल के यहाँ के जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, चाहे नेपाल हो चाहे भूटान हो, उनकी सीमाएं और उसके आगे जो उनकी सीमाएं, आप ये समझ सकिए कि अगर पूर्वांचल का इतना ये क्षेत्र सुल्तानपुर अब तक बहुत सारी विशिष्ट था, व्याख्यायिक था, आपके राजनीतिक महत्वपूर्ण का ये हो जाएगा। जहाँ पर इसका उद्घाटन कर चुके हैं